हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ऑल इन वन में। दोस्तों, अगर आपके पास भी जियो सिम है और आप भी अपनी नेट स्पीड से परेशान हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 3 इंटरनेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिन्हें करने के बाद आपकी इंटरनेट स्पीड 70% तक बढ़ जाएगी। तो अगर आप भी अपनी इंटरनेट स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जियो सिम को स्लॉट वन में डाल लेना है। अब आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिम कार्ड मैनेजर, यहाँ आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी सिम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेस पॉइंट नेम, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका एपीएन नेम शो होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स शो हो जाएगी, आपको उन्हें कर लेना है। आपको यहाँ नेम वाले ऑप्शन पर कोई नेम दे देना है। इसके बाद आपको एपीएन में आपको जियो नेट लिखना है। उसके बाद आपको और सेटिंग ऐसे ही रहने देनी है और नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको APN टाइप में आपको डिफ़ॉल्ट टाइप कर लेना है और APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में आपको IPv4 और IPv6 कर देना है। उसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखाई देगा बियरर, उसमें आपको LTE कर देना है। उसके बाद आपको इन सेटिंग को सेव कर लेना है और इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है और फिर से अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑल स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको इंटरनल स्टोरेज वाले ऑप्शन पर 5 से 7 बार क्लिक करना है। आपको यहाँ ऊपर फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके पास एक ऐसा इंटरफेस होगा, इसमें यहाँ आपको सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ LTE WCDMA वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको एक और ऑप्शन SMSC दिखाई देगा, इसको आपको एक बार रिफ्रेश और एक बार अपडेट कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है और अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपकी नेट स्पीड बढ़ जाती है। इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बताओ कि इन सेटिंग को करने के बाद आपकी नेट स्पीड कितने % तक बढ़ी है।